भारतीय जनता आपको नगर सेवक का तौर पे मतलब यहाँ पे पदभार में बिठा रही है, ऐसा क्या कौन सा आपने विकास कार्य बाकी काया पलट के जिसकी आज चर्चा आपकी गली गली हो रही है? ऐसा होता है ना कि हर नगर सेवक जो होता है, जो नगर सेवक लोगों से जुड़ा हुआ होता है, नगर सेवक उसको लोग चाहते हैं, उसको लोग उसके ऊपर प्यार करते हैं, उसको काम को निहारते हैं। पर वैसा ही गए 20 साल में 4 बार इस क्षेत्र से चुन के आया हूँ और चारों बार लोगों के नजदीक होने के कारण लोगों को एक अपना सा लगता है। कोई भी लोक प्रतिनिधि हो जो लोगों में घुलता है, लोगों में जाके मिलता है, लोगों के साथ में जो रहता है, लोग उसे पसंद करते हैं और लोगों को लगता है कि ये यही लोक प्रतिनिधि हमारा है, यही लोक प्रतिनिधि हमारा होना चाहिए, इसलिए लोग बार बार चुन के देते हैं। देखिए ऐसा होता है ना कि समझो कोई भी कॉरपोरेटर हो, एक बार होने के बाद में लोग एक बार कोशिश करते हैं उसको परखने की, मगर बार बार जब चुन के देते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब उसको चुन के देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो नगर सेवक लोगों के लिए कुछ करता है, लोगों का काम करता है, लोगों में उठता बैठता है, लोगों में घुल मिलता है, उनके साथ रहता है, इसलिए लोग बार बार उनको चुन के देते हैं। वैसे ही हो गया कि पिछले 20 साल से नगर सेवक करके इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। अलग अलग वार्ड, कुछ वार्ड की रचना बदल भी हो गई थी तब मुझे अलग वार्ड में, मगर जिस वार्ड से मैं खड़ा रहा वहाँ से मैं चुन के आया हूँ, क्योंकि आज तक 20 साल में जो काम हम करते आए वो लोगों के सामने है और इसलिए लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग प्रतिनिधि हम लोग को चाहिए ताकि वो लोगों का सुख दुख में उनके काम आते, उनका काम, उनके क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम समझने वाला लोग प्रतिनिधि हो, और इसलिए लोग बार बार चुन के देते। ये तो आज के लोग ऐसे होते हैं, अगर कोई नगर सेवक काम नहीं करेगा तो लोग उसको दूसरे बार अपने घर बिठा देंगे, उसको चुन के नहीं देते। अगर मैं भगवान की कृपा से बोलिए और लोगों का आशीर्वाद कि 20 साल लगातार मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। सर प्रभात की जनता की अगर हम बात करेंगे तो मूलभूत समस्याएं होती है, नागरिक समस्या बीएमसी से जुड़ी, सड़क, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे शिक्षण, आरोग्य, इस क्षेत्रों में आपने कौन कौन सा मतलब ऐसा कीर्तिमान के तौर पे जो है यादगार आपने वो किया है, इसकी चर्चा की जाए। देखिए लोग क्या चाहते हैं, जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं वो क्षेत्र साफ रहना चाहिए, उस क्षेत्र में लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो अगर सुविधा उनको मिलती है, तो यहाँ पे समझो जल का विषय है, समझो वहाँ के कचरा है, साफ सफाई, ये बहुत सारे ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं, ये जो विषय होते हैं, उसके साथ में अगर कोई कॉर्पोरेटर जुड़ा रहता है, उसके ऊपर ध्यान देता है, तो लोगों को वो अच्छा लगता है। ऐसा अभी लगातार इस चारों बार मैं चुन के आया, 4 बार चुन के आया, 20 साल से मैं चुन के आया, मैंने यही काम किया कि लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो मांग है, तो लगातार हमेशा लोगों को क्या चाहिए, लोग कुछ अपने पास कुछ ना पैसे मांगते कुछ मांगते, लोग यही चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, कचरा टाइम पे उठना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, लोग यही चाहते हैं। और नगर से होकर के पिछले 20 साल में हम लोग यही करते आए और इसलिए लोगों को लगता है बार बार लोग चुन के देते। इसका कारण लोगों की ये जो समस्या होती है वो समस्या हल करने में हम अग्रसर होते हैं और इसलिए लोग अपने को चाहते हैं, इसलिए लोग बार बार चुन के देते। कि आजकल अभी पहले का ये जमाना नहीं है, अभी तो जमाना बदल गया है, लोगों को मालूम है किसको वोट देना है किसको नहीं। वो तो पहला लोगों को बहुत समझाना पड़ता था कि इनको वोट दे दो उनको वोट दे दो, मगर आज के जमाने में लोगों को मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किसको वोट देना है। अब लोग अपने मन से तय करते हैं कि मुझे इनको ही वोट देना है, ये लोक प्रतिनिधि करके हमारे काम आता है, 5 साल में वो लोगों में रहता है, लोगों के काम करते हैं और इसलिए बार बार चुन के देते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो लोग अपने को दूसरी बार मतलब सेकंड टर्म में ही लोग घर बिठाते हैं उनको, अगर सर लगातार 4 बार चुन के देते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो काम करते हैं और इसी लोग हम लोग के ऊपर प्यार करते हैं, हमको बार बार चुन के देते हैं। नया आपने दिया है वर्तमान 5 सालों की अगर आप बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र था जिस क्षेत्र में अभी मैं पिछली बार जो चुन के आया हूँ वार्ड नंबर 175 से, इस वार्ड की आप रचना देखेंगे तो यहाँ पे 20 साल रवि राजा काम करते थे और उसके बाद में ये वार्ड ओबीसी हो गया और मेरा जो जहाँ पे मैं 15 साल नगर सेवक करके काम कर रहा था उस वार्ड शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हो गया और फिर उसके बाद में यहाँ पे किसको खड़ा करने का ये सवाल हम लोग के पास था। हमने पार्टी से भी पूछा था तो हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ पे और कोई वहाँ का, क्योंकि मैं तो लोकल नहीं था, मैं प्रतीक्षा नगर से नहीं जुड़ा हुआ था और ये वार्ड मेरे लिए पूरा नया था और इसलिए मैं पार्टी से हमारे पार्टी प्रमुख से भी हमने यही बात किया था कि यहाँ से आप कैंडिडेट दे दो, कोई भी कैंडिडेट हो तो हम काम करेंगे, मगर हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने और अभी के मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि नहीं आप ही खड़ा रहना इधर से और आप ही चुनाव लड़ना। और इसलिए मैंने देखा कि इस वार्ड में वैसे तो
मेरा कुछ नहीं था, इस वार्ड से मेरा कोई संबंध भी नहीं था, इस वार्ड में मेरा कुछ काम नहीं था, मगर मैं चुनाव में खड़ा रहने के बाद लोग यही जानते थे कि मंगेश सरपंकर का काम है। जहाँ पे वो नगर सेवक करके काम कर रहे थे वहाँ पे इतना अच्छा काम किया कि लोगों को नए नए घर दिए, अच्छे घर दिए, वहाँ की जो नागरिक सुविधा होती है वो सब सुविधा देने के लिए हम काफी भी कम नहीं पड़े, ये सब सुविधा हमने वहाँ पे दी। ये तो लोगों के दिमाग में था। और वही बात जब यहाँ पे मैं इस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा रहा था तब लोगों के मन में यही बात थी कि ये नगर सेवक अच्छा है, इस नगर सेवक ने जिस वार्ड में पहले रहे थे उधर बहुत ही अच्छा काम किया, और ऐसा करके लोगों ने मुझे वोट दिया। और इस वार्ड से पूरा वार्ड, क्योंकि इस वार्ड में इसके पहले 20 साल रही राजनगर से, और इसलिए लोगों ने देखा था कि ये आदमी काम करने वाला है, इस आदमी ने जहाँ पे ये नगर से तो उधर बहुत ही अच्छा काम किया, और इसीलिए लोगों ने मुझे वोट दिया और यहाँ से चुन लिया। वैसे तो मैं ये तो मुंबई महानगर पालिका में एक रिकॉर्ड है कि आज तक 4 बार कोई भी एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन बना नहीं, और वो सम्मान मुझे मिला है कि मैं 4 बार एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन हुआ। एजुकेशन कमेटी में मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत सारे स्कूल ऐसे थे कि जिनको अनुदान नहीं मिलता था बहुत सालों में, ऐसे मैंने करीब करीब 52 स्कूलों को अनुदान दिया, जिनको बहुत सारे स्कूल, अभी ऐसा होता है कि अनुदान नहीं मिलता है तो स्कूलें बंद हो जाती है, तो क्योंकि कहाँ से पैसा लाने का, कहाँ से, क्योंकि जिस स्कूल को अनुदान मिलता है वहाँ पे अपने जो शिक्षक होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब 50,000-52,000 रुपये सैलरी होती है, और जहाँ पे अनुदान नहीं है वहाँ पे शिक्षक 8,000 रुपये में काम करते हैं। और वो काम मैंने पहले किया कि मुंबई शहर के कम से कम 50-52 स्कूलों के हमने अनुदान दिया, और अनुदान देने के बाद में ये फ़ायदा होता है कि शिक्षकों को अच्छी उनकी सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट के हिसाब से उनको सैलरी मिलती है। तो ये हमने पहला काम किया। वो करने के बाद में एजुकेशन में बहुत सारे नए नए जो उपक्रम आए वो हमारे बच्चों तक हमने पहुँचाए, अलग अलग तरह से काम किया बच्चों की, बहुत सारे बच्चे जो हमारे महानगर पालिका के स्कूलों में आने वाले जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे तो झोपड़पट्टी के होते, कोई फ्लैट में रहने वाले या अच्छे घरों में रहने वाले लोग हमारे महानगर पालिका के स्कूलों में बहुत कम आते हैं, और इसलिए मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में कौन आते हैं, तो झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारे बच्चे, तो इन बच्चों के लिए हम लोगों ने सभी सुविधा की। पहला तो मैं जब चेयरमैन बना, मैं एजुकेशन कमेटी का अध्यक्ष बना, तब मैंने पहले 27 चीज़ लेके आया ताकि बच्चों को और बाहर कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, पेंसिल से लेके, पट्टी से लेके, पार्टी से लेके, नोटबुक से लेके, सभी चीज़ें जो जरूरत पड़ती है बच्चों को, 27 चीज़ें मैंने अपने कार्यकाल में, शुरू में मैं पहली बार जब अध्यक्ष बना तब मैंने ये सब शुरू किया, बच्चों को 27 चीज़ें मिलती थी, उनको यूनिफॉर्म मिलता है, उनको सभी चीज़ मिलता है, उनको सॉक्स मिलता है, उनको शू मिलता है, और ये सब चीज़ देने की मैंने कोशिश की। और इसीलिए जो मेरा शिक्षण समिति का जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही यशस्वी रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं चेयरमैन होने के बाद में बहुत सारी चीज़ें मैंने लाए बच्चों को, सिर्फ हमारे आने वाले जो बच्चे होते हैं वो झोपड़पट्टी के होते हैं उनको कुछ नहीं, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं रहता है, उनके पास शू नहीं रहते, उनके पास कंपास नहीं रहते, उनके पास पट्टी नहीं, कुछ नहीं रहता, ऐसे ही बच्चे आते, गरीब घर के बच्चे होते हैं, तो इनको ये सब सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सारी कोशिश की, और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैंने ये 4 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत सारी चीज़ें एजुकेशन कमेटी में, बहुत एजुकेशन में बहुत बदलाव हमने लाया, बच्चों को सभी, सिर्फ बच्चों को स्कूल आना है उनकी सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए 4 साल में मैंने काम किया। और ऐसा होता है ना कि मैंने कुछ देर पहले भी आपको यही कहा कि बार बार एक आदमी बार बार चुन के क्यों आता है, या एक आदमी बार बार चेयरमैन क्यों बनता है, अध्यक्ष क्यों बनता है, क्योंकि उसका काम अच्छा है, लोग उनकी कामों की सराहना करते हैं, काम लोगों को पसंद आता है, और इसलिए बार बार पार्टी हमें मौका देती है। वैसे ही हुआ, जैसे मैं 4 बार नगर सेवक हुआ वैसे मैं 4 बार एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन भी बना, क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे, उनको सभी सुविधा हमने दी, और एक शिक्षा का जो स्तर है ना ये ऐसा ऊँचा किया हमारे माध्यम से, और इसीलिए आज भी मुंबई महानगर पालिका में शायद एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष पद पर 4 बार काम करने वाला मैं 1 महीने नगर सेवक हूँ, अभी तक कोई 4 बार चेयरमैन बना नहीं, तो एक अपना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसलिए मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि जिस पद पे मैं जाता हूँ या जहाँ जहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिलता है, मैं अपने मन से, अपने दिल से मैं वहाँ पे काम करता हूँ और अपना काम लोगों तक पहुँचाता हूँ। जैसे शिक्षा समिति का अध्यक्ष मैं था, तो पूरे घर घर में, पूरे मुंबई महानगर पालिका के जितने भी स्कूल, हर स्कूल में हमने अच्छा अच्छी उनको, बच्चों को जो जो चीज़ों की जरूरत है वो चीज़ें हमने उपलब्ध करके दी। और आज भी हमारा एजुकेशन कमेटी में एक अलग से इतिहास 4 बार
शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने। ऐसा हुआ था ना कि एक चीज आपने अभी बताया सही है, बहुत सारे जो मुंबई शहर के हमारे जो नागरिक है उन लोग तो ये ऐसा लगता था उनको कि मुंबई महानगर पालिका का जो स्कूल है वहाँ पे ठीक से शिक्षा नहीं मिलती है, बाकी कुछ नहीं, ऐसे लोगों की एक भावना थी, मन में भावना थी। हमने उसमें बदलाव किया और बहुत सारे ऐसे उपक्रम लेके आए कि जो लोगों के बच्चे के बच्चों के काम में आएंगे, ऐसे बहुत सारे उपक्रम हमने लाए। तो लोगों का जो थिंकिंग थी, लोगों के जो विचार थे महानगर पालिका के स्कूल के बारे में, उसमें हमने बदलाव किया। और इसलिए ये बात आपने जो कहा बराबर है कि दिन ब दिन बच्चों की संख्या घटती जा रही थी, सही बात है, घटती जा रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे पास उस वक्त इंग्लिश मीडियम के स्कूल बहुत सारे कम थे, थोड़े से स्कूल थे हमारे पास, ऐसे नहीं थे। और आज के जो झोपड़पट्टी में रहने वाले हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनके मन में यही भावना है कि भले हम झोपड़पट्टी में रहे मगर हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम से स्कूल में जाना चाहिए, उसको अंग्रेजी आना चाहिए अंग्रेजी माध्यम की। इसलिए मराठी के तरफ जो पहले से जो लगाव था वो लगाव कम होते जा रहे हैं कुछ सालों से। आप देखिए आपके भी बच्चे सब इंग्लिश मीडियम के स्कूल में होंगे, तो सबको लगता था, मुझे भी लगता था कि मेरे भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में। तो इसलिए थोड़ा जो आप अभी बता कि पठ्य संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही थी, तो इसका कारण यही है कि बच्चों की संख्या कम होती जा रही थी मगर वहाँ पे दूसरी बाजू से इंग्लिश मीडियम में ये संख्या बढ़ती जा रही थी। बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं होते थे, सिर्फ वही होता माध्यम चेंज करते थे। जैसे पहले अभी हम लोग का पूरा जो हमारी पढ़ाई है हमारी शिक्षा है वो मराठी में हो गई और मराठी मीडियम के स्कूल में थे, मगर आज भले झोपड़पट्टी में रहते हैं मगर झोपड़पट्टी में रहने के बाद भी लोगों के ये भावना है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में सीखना चाहिए, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाना चाहिए, लोगों की भावना है। और इसीलिए जो मराठी मीडियम से कुछ बच्चे कम होते होते इंग्लिश माध्यम में, और इसलिए हम लोग ने ये सब लोगों की जो दिक्कत थी, लोगों की ये अड़चन थी, वो देख के हमने भी मुंबई महानगर पालिका ने ये निर्णय लिया कि हम लोग ने भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल शुरू किए। हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको ज़्यादा अभी पूरे मुंबई शहर में इस साल तो हम लोग ने CBSE ICSE स्कूल भी हम लोग ने शुरू किया, इसके पहले इंग्लिश मीडियम के हम लोग ने स्कूल। तो इंग्लिश मीडियम में के स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम लोग के पास जगह नहीं, इतने बच्चे अभी हमारे पास आ रहे हैं, इतने बढ़ गए बच्चे कि जो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेने के लिए, हमारे पास उतनी ये नहीं है मगर लोगों की ये भावना है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम। और इसलिए जब हमारे पास एडमिशन नहीं मिलती है तो लोग इधर उधर जाते हैं, दूसरे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, ये है। मगर आज हम लोग को इस बात की खुशी है कि हम लोग ने सिर्फ इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं मगर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हम लोग ने ICSE CBSE ये स्कूल भी हम लोग ने शुरू किए। इस साल हम लोग ने 10 स्कूल शुरू किए और 10 स्कूल में आप विश्वास नहीं रखेंगे मेरे ऊपर मगर आप इंक्वायरी करो, आप जानकारी ले लो कि इस हर जहाँ जहाँ पे हम लोग ने ये स्कूल शुरू किए वहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं पर हम लोग उतने बच्चों को एकोमोडेट नहीं कर पा रहे मगर इतनी मांग है आज। तो इसका मतलब यही होता है ना कि भले झोपड़पट्टी में रहते भले बिना सीखे माँ बाप है मगर उनको आज लगता है कि अपना बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में सीखना चाहिए। और इसलिए मुंबई महानगर पालिका में आज अच्छी तरह से हो रहा है, इंग्लिश माध्यम के स्कूल हम लोग ने शुरू किए, CBSE ICSE स्कूल हम लोग ने शुरू किए और इसलिए आज अच्छा है। मराठी में थोड़ी बच्चों की संख्या घटती है मगर अंग्रेजी में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है, इतने सारे बच्चे हमारे पास आते हैं मगर उसकी भी आने वाले काल में हम लोग इसकी भी व्यवस्था करेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि जब एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन करके मैंने 4 साल काम किया तो सभी चीज़ मैंने देखा, लोगों की भावना क्या है, लोगों को क्या लगता है, सब ध्यान में रखते हुए वैसी सुविधा हम हमारे माध्यम से देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा था ना कि मुंबई महानगर पालिका स्कूल तो मराठी स्कूल होता है मराठी माध्यम से का, मगर अभी नहीं, फिर हम लोग का जो नजरिया है वो अग्री किया हमने। अभी लोगों की मांग है, लोगों को लगता है अपने बच्चे इंग्लिश माध्यम के स्कूल में जाए और इसलिए हम लोगों ने इंग्लिश माध्यम के भी स्कूल शुरू किए। इस साल हम लोगों ने और 10 स्कूल CBSE और ICSE के 10 स्कूल हम लोगों ने शुरू किए। हर साल में हम लोग उसको बढ़ाएंगे, जैसे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनको एकोमोडेट करना है उनको देना है। क्योंकि देखिए झोपड़पट्टी में रहने वाले अब प्राइवेट स्कूल जो होते हैं जो साल का 2-3 लाख रुपया लेते हैं पढ़ने की उनकी औकात नहीं होती है, उनकी हैसियत नहीं होती है उतना पैसा भरने की। और इसलिए सुविधा अगर मुंबई महानगर पालिका देती है तो हम लोग को इस बात की खुशी है, उस बारे में भी हम लोग
सोच कर उसके बारे में हम लोग अलग से विचार करके और इंग्लिश माध्यम के स्कूल शुरू करने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल के मतलब उसको लापरवाही को देखेंगे तो क्या एकदम लाचार व्यवस्था नहीं थी आपकी स्वास्थ्य को लेकर मुंबई के हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल में? आप मुझे बताइए एक सवाल आपको मैं पूछ रहा हूँ, सब जो कोई इंजरी होती है किसी को भी और आप उनको प्राइवेट अस्पताल में लेके जाते हो उसमें समझो 4-5 टाका मांगना है और कुछ उनका समझो एक्सरे निकालना है या उनका जो वहाँ पे करना है, आप प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो आपको पहला क्या बोलेंगे वो लोग, क्या बताएंगे वो लोग उनको, पहला डिपॉजिट करो, अगर बच्चों को एडमिट करना है तो वो बोलेंगे पहला 50,000 रुपये डिपॉजिट करो। आप बताइए झोपड़पट्टी से आने वाले जो लोग होते हैं क्या वो लोग ऐसी समझो घटना होती है ऐसी समझो किसी बच्चे के बारे में ऐसा होता है या उनके घर के लोगों के होता है, तो आप बताइए कि कोई है ऐसा बिना पैसा लेके उनको अस्पताल में एडमिट कर सकते हैं प्राइवेट अस्पताल नहीं कर सकते। तो यही मुंबई महानगर पालिका की यही खासियत है कि हम मुंबई महानगर पालिका में हम लोग जो भी पेशेंट आता है जो भी आता है हम किसी को चार्ज नहीं करते, हम किसी के पास से पैसा नहीं करते, ये मुंबई महानगर पालिका की खासियत है। चलो ठीक है, अभी ऐसा होता है ना कि मुंबई महानगर पालिका के जितने भी अस्पताल है आप जाके देखिए ना, वहाँ हम लोग मुफ्त में सबका इलाज करते हैं, ना किसी के पास से हम लोग पैसा लेते, तो ये प्राइवेट अस्पताल करेंगे क्या? तो यही तो फर्क है ना, लोग बोलने के लिए कुछ भी करते हैं, हमारे अस्पताल जाइए आप, कोई भी अस्पताल आप सायन देखिए, आप नायर देखिए, आप KM देखिए, जाके देखिए उधर सब जितने भी वार्ड है सब वार्ड भरे हुए, क्यों भरे हैं? क्योंकि हमारे पास इलाज होता है हमारे मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल, ठीक है थोड़ा सा कभी इधर उधर 19-20 होता नहीं होता ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा, मगर ये जो भी इलाज बड़े बड़े ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसका हम लोग चार्ज नहीं करते, हम लोग पैसे माइनर पैसे लेते हैं। और ये खास प्राइवेट अस्पताल में खाजगी अस्पताल में समझो हम लोग जाएंगे तो ये सुविधा हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, और इसलिए उसमें थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि हमारे सभी अस्पताल में एकदम 100% हम लोग सुविधा देते नहीं, थोड़ा सा किधर ना किधर कुछ ना कुछ होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है इतने सारे पेशेंट होते हैं कभी हम लोग कुछ पेशेंट को हम लोग ना नहीं बोल सकते, हमारे अस्पताल में जो आते हैं महानगर पालिका के जितने भी अस्पताल है उसमें जो आते हैं हमारे पेशेंट आते हैं तो हम किसी को ना नहीं बोलते, हम सबको एडमिट करवा के लेते हैं। क्या प्राइवेट अस्पताल में ऐसा होता है वो तो पहले डिपॉजिट नहीं भरते हो ना तो पेशेंट को एडमिट ही नहीं करेंगे, उसको हाथ ही नहीं लगेंगे पहले डिपॉजिट भरो, तो यही तो खासी लोगों को ये समझता नहीं है, लोगों को ये सब समझो कभी इंजरी होती है सर को लगता है सर फटता है हाथ फटता है, आप जाइए ना कोई भी प्राइवेट अस्पताल में जाइए आपका इलाज करते हैं कि देखिए वो पहला बोलेंगे कि आप डिपॉजिट भरो पैसा भरो उसके बाद में एडमिट करो, ये तो हाथ नहीं लगाते पेशेंट को, क्या हमारे अस्पताल में ये होता है? नहीं होता है हमारे अस्पताल में नहीं होता है, मुंबई महानगर पालिका के जितने भी अस्पताल है उस अस्पतालों में जो सुविधा होती है वो फोकट होती है, माइनर चार्जेस होते हैं कभी कभी, ये तो बाकी सब हम लोग करते हैं। लोग बोलते हैं ठीक है मगर आप जाके देखिए ना सभी अस्पताल हमारे भरे हुए, ऐसे नहीं है ना कि अस्पताल के बेड सब खाली है कोई नहीं आता, ऐसा नहीं है। और सब लोग अब गरीब जो लोग हैं जो पैसा नहीं भर सकते उनका ये आधार है, वो उनका आधार है, उनको उधर व्यवस्था मिलती है, उनको उधर उपचार मिलता है, इधर आते हैं ना बोलने के लिए, क्या बोलते हैं लोग होता है कभी छोटा मोटा होता रहेगा किधर ना किधर कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं होता है पूरा गरीबों का, अगर गरीब कहाँ पे जाएंगे, अगर ये अस्पताल अपने नहीं रहते महानगर पालिका के अस्पताल समझो नए रहे कि ये टाटा बड़े बड़े ऑपरेशन हम लोग करते अगर ये नहीं होते हैं तो कहाँ पे हम लोग व्यवस्था करेंगे, लोग कहाँ पे जाएंगे अगर ये अस्पताल नहीं होते तो लोग वहाँ 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया भर के लोग वहाँ पे इलाज करवा देते थे, नहीं करवा देते, गरीब लोग कहाँ पे जाते। और इसलिए मुंबई महानगर पालिका के जो अस्पताल है वो सिर्फ गरीबों का नहीं, मतलब गरीबों के साथ साथ जो द्वितीय श्रेणी के लोग हैं उनकी भी वो व्यवस्था है, इसलिए अस्पताल भी ठीक है कहाँ पे छोटा मोटा कुछ चीज होता रहेगा तो ठीक है होता है, मगर वो होता है करके सभी अस्पताल खराब है सभी अस्पताल में इलाज नहीं होता इसको कोई भूल ही नहीं सकते, आप आज भी जाके देखेंगे सभी अस्पताल हमारे भरे पड़े हैं। लेकिन सर अभी कुछ ही दिनों की बात है भाटू में सावित्रीबाई अस्पताल में 4 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिस्टम पे आरोप किया जा रहा है अस्पताल प्रशासन पे, क्या ये बात सही? नहीं भाटू में क्या वारदात हो गई वो मुझे मालूम नहीं, वो बच्चे क्यों एक्सपायर्ड हो गए क्यों ऐसी घटना घटी मुझे मालूम है, उसमें कोई टेक्निकल कारण था तो और कोई कारण था मुझे मालूम है, तो उसकी जानकारी लेने अगर ऐसी घटना होती है तो मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में समझो ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी इंक्वायरी होती है उसकी जांच होती है क्यों ऐसा हुआ देखना पड़ेगा, उसमें कौन
अगर कोई उसमें जानबूझ के अगर ऐसा कुछ हुआ है, इलीजेंसी है या कुछ है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अगर ये बात मानते हैं लापरवाही की मतलब कोई वो नहीं, गलती अगर है तो अगर गलती हुई है या जानबूझ के ऐसा कुछ हुआ है तो उसको पनिशमेंट है ना। हमारे कॉर्पोरेशन किसी को छोड़ती नहीं है ना, किसी को ऐसे कोई डॉक्टर की लापरवाही, तो हम लोग ने बहुत बार ऐसा कभी कभी कहाँ पे लापरवाही होती है तो डॉक्टर को टावर को सस्पेंड कर देते हैं। तो ये तब्दूत है कायदे में, तो देखना पड़ेगा मुझे, वो वाकया मालूम है तो उसकी जानकारी ले लेंगे।